प्रोग्राम करियर टॉक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बाजाबता ऐलान हुआ है और एडमिशन्स भी स्टार्ट हुए हैं। किस तरीके से आपके कॉलेज के अंदर न्यू एडमिशन पॉलिसी के तहत आप लोग बच्चों का दाखिला ले रहे हैं? हमारे कॉलेज जो कपवारा मेन कॉलेज है, इसमें हमें 740 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट दे दिया गया। इट मीन्स नाउ जितने भी बच्चे आ जाएंगे, हर एक का जो एडमिशन होगा वो ऑन द बेस ऑफ मेरिट होगा। आपने मेरिट की बात की, जो बच्चे मेरिट से बाहर रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? यस यू आर राइट, बट आई एम श्योर जितने बच्चे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे 3000, ये डेटा बेस पे ही बनाया गया है। जो स्टैटिस्टिकल डेटा हायर एजुकेशन के पास है, उन्हें देखा है कि ऑन एवरेज इन कुपवाड़ा एडमिशन फॉर ऑल द कॉलेजेस इन कुपवाड़ा इट गोज बिटवीन 2500 टू 3000। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पुअर फैमिली हो या ऑर्फन्स हो, हैंडीकैप्ड हो, इनके लिए फीस अदा करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। उनके लिए क्या कॉलेज के अंदर फ्री एडमिशन या फी कंसेशन का ऑप्शन अवेलेबल है? हमारे पास दो तीन स्कीम्स हैं, उसमें दो तरीके हैं। एक जो डीसी ऑफिस है, आई मीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस का, वहां से भी कुछ स्कॉलरशिप्स आ जाती है, तो जहां से कुछ हेल्प उनको मिलता है फी कंसेशन में। इन एडिशन टू दैट, हमारे कॉलेज में भी एक कॉलेज फंड होता है जिसमें हम उनको हेल्प करते हैं, बट नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम 100% उसको वेव ऑफ करें। कुपवाड़ा कॉलेज में को एजुकेशन सिस्टम है। मैं सबसे पहले गर्ल्स प्रोटेक्शन को लेकर बात करता हूँ, चाहे आउटसाइडर्स इंटरव्यू हो या यूटीसी का मामला हो या आजकल ड्रग्स का मामला है जो एक गलत माहौल को पैदा करता है, इस चीज को लेकर आप कितना मुतफिक्र हैं? बिल्कुल सही। आई एम माई सेल्फ फादर ऑफ डॉटर्स, आई एम वेरी मच सेंसिटिव रिगार्डिंग गर्ल्स सिक्योरिटी। उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ी चीज जो है डिसिप्लिन का, दैट इज यूनिफॉर्म। एक मशहूर कौल है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक। चलिए जहां भी जाए अपनी तालीम को मौसर बनाएं और वक्त की कदर करें। आप देखते रहें कश्मीर टॉक। इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप देख रहे हैं कश्मीर टॉक आदिल पीरजादा के साथ प्रोग्राम करियर टॉक। आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक रहतर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा। आज हम बात करेंगे न्यू एडमिशन पॉलिसी को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी अहम मुद्दों पे। सर आपका खैर मकदम है। सबसे पहले जानना चाहूंगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बाजाबता ऐलान हुआ है और एडमिशन्स भी स्टार्ट हुए हैं, किस तरीके से आपके कॉलेज के अंदर न्यू एडमिशन पॉलिसी के तहत आप लोग बच्चों का दाखिला ले रहे हैं? एक्चुअली जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 जो फ्रेम आउट हुई है 20 में, अब इस पॉलिसी में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मीन्स फ्रॉम द बॉटम अप द टॉप, जिसको हम कहते हैं स्कूलिंग एज वेल एज द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, अब इसमें जो पैटर्न्स है वो अलग अलग है। हाँ, अब आपका क्वेश्चन दूसरा है, दैट इज द एडमिशन प्रोसेस हियर। अभी आपको शायद पता भी होगा कि प्री काउंसलिंग अभी हो रही है। इस प्री काउंसलिंग में हमें गवर्नमेंट से डायरेक्शंस अब मिले हैं कि हर कॉलेज में, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन अब देना चाहते हैं, हमारे पास इनटेक कैपेसिटी अब फिक्स कर दी गई है। सो लेट अस टॉक अबाउट कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आई थिंक वी आर हैविंग अबाउट 2980, यानी कि तकरीबन 3000 बच्चों को कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन मिलेगा। अलग अलग कॉलेज, 8 कॉलेज हैं। हमारे कॉलेज जो कुपवाड़ा मेन कॉलेज है, जिसको नोडल कॉलेज आप कहते हैं, इसमें हमें 740 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट दे दिया गया है। अब इसके अलावा जो बच्चे अब यहां पर आ जाएंगे, जो जो ऑनलाइन अभी फॉर्म भर रहे हैं, उनको भी वहां पर हमें एज पर द सब्जेक्ट दे दिए गए हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने आ जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में कहूंगा, इन बॉटनी एंड जूलॉजी हमें 160 दिया गया है। सो नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर वी यूज टू हैव एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेकिन इस साल हमें ऐसा नहीं है। इस साल हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा 160। सिमिलरली अगर इफ वी गो टू सम नॉन मेडिकल स्ट्रीम, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनमें हमारे पास जो नंबर ऑफ सीट्स दी गई है, इट इज ओनली 80। सो व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स नाउ जितने भी बच्चे आ जाएंगे, हर एक का जो एडमिशन होगा वो ऑन द बेस ऑफ मेरिट होगा। आपने मेरिट की बात की, जो बच्चे मेरिट से बाहर रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? यस यू आर राइट, बट आई एम श्योर जितने बच्चे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे 3000, ये डेटा बेस पे ही बनाया गया है। जो स्टैटिस्टिकल डेटा हायर एजुकेशन के पास है, उन्हें देखा है कि ऑन एवरेज इन कुपवाड़ा एडमिशन फॉर ऑल द कॉलेजेस इन कुपवाड़ा इट गोज बिटवीन 2500 टू 3000, सो दे नो इट वेरी वेल। इसलिए इनको पता है कि कितने बच्चे ऑन एवरेज इस कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, इसलिए उन्हें उसी हिसाब से ये अलॉटमेंट किया। क्योंकि अब नए कॉलेज भी आए हैं, जैसे करालपुरा का कॉलेज आया है, विलगाम में कॉलेज आया है, लंगेट में कॉलेज आया है, तो जाहिर है वहां पर भी बच्चों को जाना है।
और कैचमेंट एरिया वहां लेना है, करालपुरा और बाकी कॉलेजों का जिक्र किया, लेकिन वो नए कॉलेजेस हैं, उस हिसाब से फैसिलिटीज भी हैं और आर्ट्स के स्ट्रीम मौजूद है। यस श्योर। बाकी स्ट्रीम्स वाले कहां जाएंगे? बिल्कुल सही, जो साइंस वाले हैं तो जाहिर है उनके लिए कपवारा बॉयज कॉलेज होगा, उनके पास वुमेन्स कॉलेज भी आ जाएगा लड़कियों के लिए, क्योंकि वहां पर भी साइंस इस साल इंट्रोड्यूस हो गया। देयर इज हंदवाड़ा कॉलेज, सुगाम कॉलेज है वहां पर भी है, जो टंगडार के बच्चे वहां पर तो ऑलरेडी साइंस भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है। आपको नहीं लगता ये पॉलिसी एक स्टूडेंट को समझना मुश्किल है, एक इसके लिए एक काउंसलिंग की जाए बच्चों को? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया और जेन्युइन सवाल किया। हम पिछले 4-5 दिन से काउंसलिंग ही कर रहे थे। अब बहुत सारे बच्चे, क्योंकि वो ट्रेडिशन जो उनके पास हुआ करता था तो वो अभी भी उसी ट्रेडिशन में चल रहे हैं, लेकिन हमारी काउंसलिंग की वजह से अब बच्चों में एक अवेयरनेस पैदा हो गई है एंड दे आर नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट शुड बी द न्यू वे ऑफ हैंडलिंग दिस क्यूरिकुलम। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो भी बच्चा आएगा वो अपने इंटरेस्ट को देखकर, अपनी कैपेसिटी को देखकर सब्जेक्ट सिलेक्शन करेगा। अभी पहले रैंडमली बच्चे आया करते थे एंड समटाइम्स जो इनोसेंट बच्चे थे उनको वहां पर जो भी कोई टीचर होता था या इवन क्लर्क होता था वो उसे कहते थे आप ये सब्जेक्ट लीजिए। इनोसेंस की वजह उस बच्चे को खुद पता नहीं होता था कि मेरे यहाँ पोटेंशियल क्या है, मेरे पास कौन सा ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें मैं स्ट्रांग हो सकता हूँ। लेकिन अब टीचर हमारे जो साहिबान हैं वो बहुत अच्छी तरह इनको काउंसलिंग कर रहे हैं कि वो इनके 12th क्लास के मार्क्स देखते हैं और उसके बाद इन बच्चों से पूछते हैं कि आप में ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें आप में इंटरेस्ट है, जहां आपको मजा आता है सीखने में, तो उस हिसाब से फिर हम उनको काउंसलिंग करते हैं, आप ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लीजिए। मुझे लगता है कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। एक ही दिन हो गया और अभी मैं 2 बजे का रिपोर्ट नहीं, रादर 1 बजे का रिपोर्ट है, तब तक हमें 180 एप्लीकेंट्स आए थे ऑनलाइन, ये पहला ही दिन है आज। सो इट मीन्स देयर इज रेस्पॉन्स, लेकिन बच्चे अभी बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। आई थिंक थ्रू योर मीडिया दे मे कम टू नो। अगर इस पॉलिसी को देखें, मुझे लगता है और स्टूडेंट्स पे एक मुश्किल पॉलिसी है जो स्टूडेंट्स के लिए काफी परेशान कुन है। आपको नहीं लगता आप सभी प्रिंसिपल्स को, हायर अथॉरिटीज को फीडबैक करना चाहिए इस पॉलिसी को लेके? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू बी ग्लोबल पावर, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है सराउंडिंग इसमें कंट्री है। आई विल पर्टिकुलरली टॉक अबाउट चाइना। चाइना और इंडिया को तकरीबन दोनों को 90s में FDI हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर जैसे कंट्रीज आ गए, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज यहां खोली, उसमें चाइना आगे चला गया, इंडिया उसमें पीछे रह गया। अब कहां प्रॉब्लम हो गई? दैट वाज द एजुकेशन पॉलिसी। उस एजुकेशन पॉलिसी को चलो लेट ही सही, लेकिन अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया गवर्नमेंट ने, लेकिन अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, दैट्स कॉल्ड स्किल। आजकल हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, यू आर क्वाइट अवेयर अबाउट इट, हर एक को पता है जितने भी हमारे ग्रेजुएट निकलते हैं वो सारे के सारे बच्चे अनस्किल्ड है। इसीलिए जो नई पॉलिसी है इसमें आपको कॉलेज में ही वाइल डूइंग द नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स उसके साथ स्किल भी उसको दिखाया जाता है, एंड बाय द टाइम द पर्सन कम्स आउट विद ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये ऑलरेडी स्किल्ड होता है, तो इसको मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, चाहे इंडस्ट्री में आप कहिए, आप बैंकिंग में कहिए, या इवन प्राइवेट सेक्टर भी कहिए, प्राइवेट इंडस्ट्री में आप कहिए, उसको इमीडिएटली वहां जॉब मिल जाएगा। तो इसकी एडजस्टेबिलिटी जो रेशो है या उसका नंबर जो है फैक्टर है वो बढ़ जाता है। अगर एडमिशंस को लेके एक बार मैं बात करूंगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पुअर फैमिली हो या ऑर्फन्स हो, हैंडीकैप्ड हो, इनके लिए फीस अदा करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, उनके लिए क्या कॉलेज के अंदर फ्री एडमिशन या फ्री कंसेशन का ऑप्शन अवेलेबल है? हमारे पास 2-3 स्कीम्स हैं। एक स्कीम है कि कोई बच्चा जो मेरिटोरियस होता है लेकिन हम्बल फैमिली से है, पुअर फैमिली से है, उसमें 2 तरीके हैं। एक जो DC ऑफिस है, आई मीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस का, वहां से भी कुछ स्कॉलरशिप्स आ जाती है, तो जहां से कुछ हेल्प उनको मिलता है फ्री कंसेशन में। इन एडिशन टू दैट हमारे कॉलेज में भी एक कॉलेज फंड होता है जिसमें हम उनको हेल्प करते हैं, बट नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम 100% उसको वेव ऑफ करें, तो लार्ज एक्सटेंड हम कोशिश करते हैं। बट इन एडिशन टू दैट मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हमारे कॉलेज के जितने भी टीचर साहिबान हैं इन्होंने अब इस साल कहा है कि हम एक सोशल वेलफेयर फंड क्रिएट करेंगे कॉलेज में ही, जहां पर टीचर या कोई भी पर्सन जो है उसमें डोनेट करेगा,
विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन जो जितना देना चाहता है, फिर उसमें जो बच्चा कहीं पे डिजर्व करता है, नॉट ओनली टीचर्स, अगर आउटसाइडर भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है, चाहे वो रिच फैमिली का हो या बड़े पोजिशन पे हो, अगर वो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है, जो कोई पुअर फैमिली से है, तो हम उसमें से फीस निकाल या वो पैसा निकाल के उनको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बात करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने कॉलेज बिल्डिंग्स यहाँ बनी है, लेकिन काफी वक्त से इसमें काम नहीं चल रहा है, क्या वजह है, क्यों नहीं कंप्लीट हो रही है? मुझे लगता है आपने ये मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। इनफैक्ट आप इस बात को आगे भी ले सकते हैं, इट इज नॉट ओनली यू, मैं खुद इसमें बहुत परेशान हूँ, मेरी फैकल्टी बहुत परेशान है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें परेशान है कि हमारी बिल्डिंग्स क्यों नहीं तैयार हो रही है, हमारी जो बाहर जो ये ग्राउंड है उसमें वो दीवार बंदी क्यों नहीं हो रहा है, कैंटीन जो वहां पर है वो क्यों नहीं बन रहा है, हमारी जो वहां बिल्डिंग्स हैं जिनका वो सीलिंग खराब हो गया वो क्यों नहीं ठीक हो रहा है, ये प्लीज आप हायर अथॉरिटीज तक ले जाइए, क्यों नहीं इस पे काम हो रहा है, हम खुद इसमें परेशान हैं, जितना ये ज्यादा स्पीड अप होगा उतनी हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, इन एडिशन टू दैट हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी कैपेसिटी में है, नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है। इसका मतलब है कि जो बिल्डिंग्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्टेड है, JKPCC इज इन्वॉल्वड इन इट, यू हैव टू टॉक अबाउट दैट, मतलब अगर हायर अथॉरिटीज भी मुझे हेल्प करे थ्रू योर मीडियम, मुझे उसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। आपने नए कोर्सेज की बात की, जिस तरीके से मैं एक कॉलेज के अंदर नया कोर्सेज होने की जरूरत है, जिस तरह BBA है या बाकी प्रोफेशनल कोर्स है, जिसकी वजह से बच्चे आउटसाइड कॉलेजेस जाते हैं, जो एक परेशान कुल मामला है, क्या इस कॉलेज के अंदर नए कोर्सेज ऐड किए जा रहे हैं? हमारे पास जो कोर्सेज इस वक्त ऑफर हो रहे हैं, एक तो नॉर्मल साइंस आ रहा है, आर्ट्स भी आ रहे हैं, कॉमर्स भी आ रहे हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स हमारा यहाँ चल रहा है, दैट इज कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इंशाल्लाह हम देखते हैं कि आगे जो ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, तो स्टडिंग द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, स्टडिंग द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी एंड द डिमांड फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड द सिविल सोसाइटी, फिर हम उसी हिसाब से आगे हायर अथॉरिटीज को लिखेंगे कि ये चीजें भी आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कीजिए। आपकी बात सही है कि बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट यहाँ पर नहीं है, तो अगर हमें लगता है कि अगले साल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार हो गया, तो हम उसके लिए भी आगे उनको लिख सकते हैं कि हमें ये कोर्स भी यहाँ पर दीजिएगा। अगर इस कॉलेज को देखूँ, ये कुपवारा कॉलेज में को एजुकेशन सिस्टम है, मैं सबसे पहले गर्ल्स प्रोटेक्शन को लेकर बात करता हूँ, चाहे आउटसाइडर्स इंटरव्यू हो या UTG का मामला हो या आजकल ड्रग्स का मामला है जो एक गलत माहौल को पैदा करता है, इस चीज को लेकर आप कितना मुतफक्कर हैं? बिल्कुल सही, आई एम माइसेल्फ फादर ऑफ डॉटर्स, आई एम वेरी मच सेंसिटिव रिगार्डिंग गर्ल्स सिक्योरिटी। उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ी चीज जो है डिसिप्लिन का, दैट इज यूनिफॉर्म। हमने कुछ रिलैक्सेशन दी थी बिकॉज ऑफ कोविड, हम उसमें ज्यादा सिट्रस नहीं ले रहे थे उन दिनों, लेकिन 1 अप्रैल इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स कोई भी स्टूडेंट विदाउट यूनिफॉर्म अंदर नहीं आ सकता। इन एडिशन टू दैट हमने यहाँ गर्ल्स के लिए अलग पार्क रखी है, गर्ल्स के लिए लेबोरेटरी अलग रखी है, गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ J&K ने हमें ऑलरेडी गर्ल्स कॉमन रूम के लिए पैसे दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो लेट आ गए, तो इसलिए उस पार्ट पे काम नहीं हो सका, लेकिन वो ऑलरेडी उन्हें 40 लाख हमें दे दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ही वो गर्ल्स कॉमन रूम बनेंगे, तो जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए बाजाबता अंदर हमने फैसिलिटीज रखी है, वट एवर इज रेलिवेंट टू गर्ल्स या हाइजीनिक बेसिक फैसिलिटीज, वो सारे हम उनको वहां पर रखेंगे। वो हमने एरिया भी वहां पर देखा है कहां पर रखना है, वो 2 स्टोरी बिल्डिंग वहां बनेगी, तो इस तरह से लड़कियों के लिए अलग माहौल रहेगा। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि देयर शुड बी डिसिप्लिन एज वेल एज द सिक्योरिटी फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल्स। आपके कॉलेज के बारे में सुनना रहा कि इस साल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस को लेके कुपवारा कॉलेज, खासकर मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट को लेके बात करूंगा, एंट्रेंस पास किए हैं, तो आपको लगता है कि इसमें और ज्यादा निखार की जरूरत है? श्योर, आई थिंक यू शुड टेक प्राउड ऑफ दीज पीपल। वजह क्या है कि परमानेंट स्टॉप जो है वो काफी इम्पोर्टेंट काम प्ले करता है। आपको यहाँ जूलॉजी के 3-4 प्रोफेसर साहिबान है, लोकल है, तो जाहिर है उनको मोटिवेशन होगी, वो हेल्प करते होंगे स्टूडेंट्स को राइट फ्रॉम द बॉटम, तो जाहिर है वो मोटिवेशन उनके पास है। बट अनफॉर्चुनेटली जो फिजिकल साइंस है इस कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में वो नहीं है। आई मीन यू एग्जांपल दैट ऑफ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें हमारे प्रोफेसर साहिबान इस एरिया से नहीं है। अगर इसमें हमें प्रोफेसर साहिबान 4-5 मतलब आ जाएंगे PSC थ्रू, तो जाहिर है वो मोटिवेशन यहाँ बढ़ जाएगा, एक मोटिवेशन रहेगा बच्चों के लिए, तो फिजिकल साइंस में भी वो आगे आ सकते हैं। बट आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि दिस ईयर बहुत सारे बच्चों ने इस कॉलेज से क्वालिफाई किया फॉर यूनिवर्सिटी।
That's a good sign. And we also conducted exams for this entrance, for university entrance exam here. And they appreciated this beautifully. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एक मशहूर कौल है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक. चलिए जहां भी जाए अपनी तालीम को मौसर बनाए और वक्त की कदर करें. आप देखते रहें कश्मीर टॉक. इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें. अल्लाह निगेबान.